नीति आयोग द्वारा रामगढ़ जिले के लिए प्रतिनियुक्त सेंट्रल प्रभारी पदाधिकारी ने किया जिले का दौरा। संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय भारत सरकार सह सेंट्रल प्रभारी पदाधिकारी आकांक्षी जिला रामगढ़ चंद्राकर भारती का दो दिवसीय रामगढ़ दौरा संपन्न हुआ। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने क्षेत्र भ्रमण किया। इस क्रम में उनके साथ जिले की उपायुक्त उप विकास आयुक्त के अलावे तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत रामगढ़ में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने नीति आयोग द्वारा प्रति माह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में सुधार हेतु अलग अलग पैमानों पर किए जा रहे कार्यों एवं वर्तमान में रामगढ़ की अन्य जिलों की तुलना में रैंकिंग में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को ससमय योजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दौरे के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि जिस भी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है उसके लिए जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए। खास तौर पर शिक्षा, समाज कल्याण और कृषि के क्षेत्र में ज्यादा प्रगति लाने के लिए जोर दिया। रामगढ़ केंद्र सरकार के द्वारा आकांक्षी जिलों का एक पार्ट है, तो उसी के तहत हमारे जो केंद्र सरकार के प्रभारी सचिव हैं आकांक्षी जिलों के लिए, वो यहाँ पर विजिट के लिए आए थे। उनका ये दो दिवसीय दौरा था जिसमें कल उन्होंने सारे विभागों के साथ रिव्यू किया है और आज उन्होंने फील्ड विजिट किया। इसके दौरान उन्होंने जो भी क्षेत्र है जहां पर सुधार की आवश्यकता है उसके लिए जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिया है। सर के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग उसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुधार लाएंगे। उन्होंने खासतौर से शिक्षा और समाज कल्याण और कृषि के क्षेत्र में ज्यादा प्रगति लाने के लिए जोर दिया, तो उसी के अनुसार हम लोग आगे। हमारे संवाददाता शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट रामगढ़ से।